मिलन दिवगत फिल्म निर्माता राज खोसला के नाजायज बेटे है। गौरतलब है कि राजा खोसला 1970 के दशक में शिक्षा निदेशक में से एक थे। बहुत छोटी उम्र से ही मिलन का झुकाव घुड़सवारी की ओर था। उन्होंने हॉर्स रेसिंग में अपना करियर बनाने पर विचार किया। उनकी माँ फिल्म निर्माता महेश और मुकेश भट्ट की चचेरी बहन है। सहायक निदेशक के रूप में मिलन का पहला कार्यकाल वर्ष 1993 में फिल्म लुटेरे से आया। इसके बाद उन्होंने अजय देवगन और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म कच्चे धागे से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। हालांकि फिल्म ने उन पर बहुत प्रभाव डाला क्योंकि इसके निर्माण के दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले अभिनेता अजय देवगन एक दुर्घटना का शिकार हो गए जिससे फिल्म की शूटिंग कुछ महीनों के लिए रुक गई। दूसरा, फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी को टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। नतीजा ये हुआ कि फिल्म को बनाने में 3.5 साल से ज़्यादा का समय लग गया। कच्चे धागे बॉक्स ऑफिस पर औसत फिल्म साबित हुई। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया है लेकिन उन्हें वर्ष 2006 में फिल्म टैक्सी नंबर 9211 से प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और द डर्टी पिक्चर जैसी उनकी फिल्मों ने बॉलीवुड में उनकी जगह को और मजबूत कर दिया।